दुलरिया, तुम तो हमको बेकार में ही डरवा रही थी हैं? अगर रागिनी बहुरानी चाहती ना तो पराग बाबू को सब कुछ बता सकती थी हैं? इस घर का मर्यादा का मान रख लिया। ये बात तो तुम एकदम ही ठीक कर रही हो फुआ। अब मान गए हम बड़की भौजी को, बाकी मान गए तुम्हारे बुद्धि को भी। देख रहे हैं कि कैसे बंदूक वाली घर में आप किताब वाली घर के बाहर। बहुत अच्छा की हो तुम। अब वक्त है मेरे अगले स्टेप का। मेरा हर स्टेप सृष्टि को इस घर से दूर करेगा और मुझे उसके करीब ले जाएगा। लड़िया ऐसे थोड़े ना राज कर रहे हैं इस घर पे हैं? आई तो है फुआ, राज तो तुम्हारा ही चलेगा। वैसे तुम मना हमारा सिर बहुत अच्छा दबाती हो हैं। जी नमस्कार। जीते रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा घर में आने का? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। जी हम गायत्री देवी से मिलने आए। अम्मा जी से? अम्मा जी से काहे मिलना है? जी मैं उनका वकील हूँ और हमें मुकदमे के सिलसिले में उनसे मिलना है। देखो अम्मा जी जो है ना वो व्यस्त है, अभी किसी से नहीं मिलेंगी, निकलो यहाँ। अरे बड़की का हो गया? कुछ हो नहीं अम्मा जी है। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो। जी बैठ के बात करें। हाँ, बैठो। थैंक यू। दिव्या एक गिलास पानी लाना। अभी जी सृष्टि और मैं इस घर के सारे मुकदमे संभाल रहे हैं, तो बस उसी सिलसिले में हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। तो कौन दस्तखत नहीं मिलेगा है? हम लोगों को कब बकलोल समझ के रखा है? हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है? जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं। दादी जी हम केस रीओपन कर रहे हैं, अगर हम जीतते हैं तो आपको आपकी बहुत सी प्रॉपर्टीज वापस मिल जाएंगी। और सृष्टि आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए। बेटा पानी लो। हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। थैंक यू। मगर जब से हमें सृष्टि के हाथ की चाय पीने की आदत लगी है, हमको कहीं और चाय पीने की इच्छा ही नहीं होती। और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो चाय कितना अच्छा बनाती है। अब बुआ देख रही हो कैसे एकदम बेशरम होकर सृष्टि जी कर रहा है। दादी जी आप यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। भाई जो है ना वो यहे छोड़ कर जाओ है? वो का है अनुराग के बाबूजी और देवर जी घर पर नहीं है, वो जब आ जाएंगे उनसे बतिया लेंगे फिर हम दस्तखत करवा देंगे है? अब निकलो यहाँ से। बड़की ठीक कह रही है, एक बार विद्वान ये कागज देख ले उसके बाद हम दस्तखत कर देंगे। ठीक है दादी जी आप जैसे बोले, इसी बहाने हमें फिर से आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिल जाएगा। शिष्य आपकी बहुत तारीफ करती है, कह रही थी कि इस घर में अकेले आप हैं जो न्याय और सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। हम चलते हैं। माँ जी देखे कितना है उसे, देखे कितना होशियारी दिखा रहा है। लड़का जो है ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर जी हमारा फोटो हटा दिए ना यहाँ से, अब वो फोटो यहाँ दोबारा लगेगा और अब वो हर काम होगा जो रागिनी सिंह को अच्छा लगता है। भाभी
भाभी हमको ना आपका मदद चाहिए। देवर जी को हमारा मदद चाहिए, बहुत अच्छा बात है, बताइए। भाभी हमको ना सृष्टि जी की बहुत याद आ रही है, हमारा ना सृष्टि जी के बिना मन ही नहीं लगता। आप और सृष्टि जी तो घर से एक ही दिन निकले थे, पर आप इतनी जल्दी वापस आ गए और सृष्टि जी अभी तक नहीं आई। हमको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि सृष्टि जी वापस आ जाए। अगर हम चाहते हैं कि कानून की देवी मिस्टर जी से नफरत करने लगे तो उसका यहाँ होना बहुत ही जरूरी है, और वो अगर यहाँ होगी तो बेचारे देवर जी का भी थोड़ा भला हो जाएगा। बोलिए ना भाभी। आप देवर जी, हम यहाँ ऐसे ही थोड़ी आए हैं। अरे आप मिस्टर जी है ना, वो डेरा डाल दिए थे, पीछे पीछे आए थे हमारे, सारी सारी बोलते थे हमें, तब जाके हम उनको माफ किए और यहाँ उनके साथ चले आए। पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ रो रहे हैं, कभी यहाँ रोते हैं कभी वहाँ रोते हैं। उन्हें से थोड़ी सृष्टि जी वापस आएंगी, उसके लिए आपको उनके पास जाके उनको मनाना पड़ेगा ना, है ना? आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा प्रेम ना उनको कोई और नहीं करता, समझे? हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, हमको ना कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू भाभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह के 7 बज रहे हैं, घर पे सब सो रहे होंगे और तुम इतनी जोर से म्यूजिक सुन रही हो, पागल हो गई हो क्या? हम आपको परेशान कर रहे हैं, अब आप खड़े खड़े यहां बहस का कर रहे हैं हमसे, वहां बैठ के परेशान हुई है। जाइए। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूं, अब परेशान होने की बारी तुम्हारी है। हटो यहां से। अनुराग, ये कहाँ हो रहा है सब? अब दादी अम्मा देखिए ना, हम सुबह सुबह भजन लगा के याद कर रहे थे ताकि जब अच्छे से गाना आ जाए तो आपको रोज सुबह सुनाए। मिस्टर जी जो है ना, हमें रियाज ही नहीं करने दे रहे हैं। दादी ये अब इनको तो ना अपना वो गंदा दर्द जो अंग्रेजी गाना नहीं होता है, राम 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 राम, इनको वो ही अच्छा लगता है। धर्म कर्म से पता नहीं कहाँ परेशानी है इनको। अनुराग ये हम कहाँ सुन रहे हैं? जब हमारी बहुरिया कोई अच्छा गुण सीखना चाहती है तो तुम काहे रोक रहे हो उसे? हाँ जाओ बहुरिया, जाओ तुम भजन चलाओ, देखे ये कैसे रोकता है तुमको। जी दादी। दादी इसका मन करेगा तो क्या आधी रात को इतना लाउड म्यूजिक बजाएगी? अब दादी अम्मा देखिए, देखिए देखा आपने, 7 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त है और इनको आधी रात में। हम बता रहे हैं आपको, ये जो सब गड़बड़ हुआ है ना, ये इनके लंदन जाने से हुआ है। दादी अम्मा अगर आप हमारा साथ देंगे ना तो हम इनको ठीक कर देंगे। अब देंगे हमारा साथ? हम तुम्हारे साथ ही हैं बहुरिया, तुम जैसे चाहो इसको ठीक कर दो। दादी आप भी ना इसकी बात नहीं समझती, एक नंबर की नौटंकी है ये नौटंकी। देखा
देखा दादी अम्मा आपने, नौटंकी बोल रहे हैं। अभी तक ना कल की लड़ाई को लेकर ही बैठे हैं, उसी में अटके हुए हैं ये। माना माना कि आप हमें अपना पत्नी नहीं मानते हैं, लेकिन दादी अम्मा हम तो इस घर का बहू है ना। आपका बहू अपने मन का एक भजन भी नहीं सुन सकती का? हाँ हाँ जरूर सुन सकती हो बहुरिया, और तुम इस घर की बहुरिया भी हो और इसकी पत्नी भी। अनुराग कान खोल के सुन लो, हमरी बहुरिया के जो मन में आएगा वो सब करेगी, तुम उसके किसी भी काम में अड़ंगा नहीं डालोगे, समझे? जी दादी बिल्कुल। दादी अम्मा आप इस दुनिया की ना सबसे अच्छी दादी अम्मा हो, भगवान करे कि हर बहू को ना आप जैसी सास की सास दे। आज ना हम आपका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे। मैंने सच में ऐसी ड्रामेबाज औरत आज तक नहीं देखी, इट्स जस्ट रिडिकुलस। जरूर। अनुराग भैया विशु भैया अपने कमरे में नहीं है। लेकिन इतनी सुबह सुबह विशु जा कहाँ सकता है? हाँ भैया हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, हमें भी कहीं नहीं मिल रहा है। अरे लड़का ना बार बार भाग के हमको तो परेशान करके रख दिया, पता नहीं किस हाल में होगा। माँ कहीं वो पापा या काका के साथ तो नहीं चला गया? पर नहीं ना बेटा, वो हमारे सामने ही दोनों फटफटिया पे निकले हैं, उनके साथ नहीं गया है। हमें सृष्टि जी के बिना मन ही नहीं लगता। पता नहीं लड़का जब भी कहीं अकेला जाता है ना कोनो कांड जरूर होता है। लगता है हम देवर जी को ना कुछ ज्यादा ही टॉनिक पिला दिए, अब किसी मुसीबत में ना फंस गए हो वो। हे दुर्गा मैया उनका रक्षा करना। अनुराग बिठवा पिशु का पता लगाओ, हमें डर है वो फिर किसी से झगड़ा ना शुरू कर दे। नहीं नहीं दादी लड़ाई झगड़ा नहीं, आप सब लोग परेशान मत होइए, विशु लगता है फिर से शिष्य से मिलने गया हो। लड़की ने तो नाक में दम करके रखा हुआ है, पता नहीं क्या करवा के मानेगी। माँ आप शिष्य को कोसना बंद कीजिए, सृष्टि यहाँ विशु के पास नहीं आई है, विशु वहाँ भाग के गया है ना। आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जाके देख के आता हूँ। हम भी चलते हैं आपके साथ। एक सेकेंड, वहाँ गोलियां चलाने की जरूरत नहीं है, अपने भाई को मैं ले आऊंगा। कपड़े नहीं चेंज किए, मिस्टर जी को तो बस वो कानून की देवी के पास जाने का मौका मिलना चाहिए, उसे देखकर पता नहीं इनको कौन सा खुशी मिलता है। लेकिन ये खुशी ना ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, आप वहां से लौट के आइए, तब तक हम यहाँ नया ड्रामा का श्री गणेश करते हैं। हाँ दिव्या जाके फिर से एक बार दलान में देखो। हाँ तुम जाओ, जहाँ उस तरफ जाके देखो। आ जाएगा चिंता मत कर। पता नहीं लड़का क्या करने पर तुला हुआ है। हमारे बड़े भैया का जमीन का केस है विकराल सिंह के खिलाफ। जिले का कोनो वकील वो मुकदमा न ले रहा था तो अपने शेखर बाबू है जो तैयार हो गए। अरे भाई ये जो शेखर बाबू है ना वो इस जिला का टॉप का वकील है, एक बार जो केस उनके हाथ में आ गया ना उनका नाम होगा विकराल, उनका पानी पिला देंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए, हाँ। जो मैडम जी है वो शेखर बाबू की बीबी है का? तुम वो सृष्टि मैडम की बात? हाँ उन्हीं की। अरे नहीं यार, अरे वो उनका पत्नी थोड़ी है, वो तो उनका फ्रेंड है दोस्त। हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं और उनको अपने झांसे में लेना चाहती, पर अपना शेखर बाबू है ना ऐसे किसी लड़की के झांसे में नहीं आने वाले। क्या बात कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई हम। वकील कहिए हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शिष्य जी के बारे में बात करने की? क्या बोल रहे थे? कि हमारी सृष्टि जी शेखर के लिए ससुराल से भाग के आई है? हाँ अरे वो हमसे नाराज थी इसलिए वो घर से आई है, समझे? वो तुमको तमीज नहीं है कि लड़की के बारे में कैसे बात करनी चाहिए? अब सिखाते हम तुमको तमीज, अकल ठिकाने लगाते हैं तुम्हें मार के, समझ आ रही है? तो क्या गलत बोले हम? पूरा गाँव सृष्टि जी और शेखर जी के बारे में बोल रहा है तो हमने बोल दिए, तुमको काय बुरा लग रहा है?
छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। विष्णु जी छोड़िए उनको, ये क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए। शेखर बाबू, ये लड़का पागल है क्या? मैं और मेरा दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से आ गया और आते ही हाथापाई करने लगा। आपने ऐसे पागल लोग क्यों पाल रखे? एक बात बताइए शेखर बाबू, ऐसे कैसे लोग आपके ऑफिस में आ जाते हैं? I'm so sorry. आप लोग मेरे साथ चलिए। सृष्टि जी, ये लोग है ना आपके बारे में गलत कह रहे थे, कह रहे थे कि आप है ना ससुराल छोड़कर भाग आई हैं। हाँ तो क्या गलत कह रहे थे, हम आए तो हैं ससुराल से भागकर, आप किस किस से लड़ाई करके उनका मुंह बंद करवाएंगे? हाँ सारी सृष्टि जी, जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है ना तो हमको बहुत ही खराब लगता है। आप यहाँ कैसे आए? बस से, अब हमको यहाँ का रास्ता मालूम हो गया है। आप बैठिए। विष्णु ने तो है ना हमको परेशान करके रख दिया दुनरिया, पता नहीं कैसे हरिनगर पहुंचा होगा। हमारा तो ये सोच सोच के ना बीपी बढ़ा जा रहा है। काहे सोच रही हो, आराम से बैठो। अरे का करे, बिट्टू है हमारा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सासू मैया, आप नींबू पानी पीजिए, इसे पीने से ना आपका बीपी एकदम ठीक हो जाएगा। और आप देखिएगा, दोनों भाई ना हंसते गाते आएंगे। अरे वाह, हर देखा दुलरिया, इसको कहते हैं बहुरानी है, हमार तो भाग खुल गया इसको पाके। अरे कितना ध्यान रखती है हमारी तबियत का, वो है फक्कड़ की लड़की, बेशरम हमारा जीना हराम करके रख दिया है। जाने दो ना पुआ, काहे तुम उसके बारे में सोच के अपना तबियत बिगाड़ रही हो। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबको है ना रागिनी जैसी बहुरानी दे। इस घर में ना बस एक सासू माई है जो हमें पूरी तरीके से पहचान पाई है, लेकिन अभी इनकी बात से हमें एक नया आइडिया आया है। और पी लीजिएगा। अरे क्या हुआ है? बहुत जोर से लगा है का भौजी? अरे गिर गए हम, सासू मैया इतनी जोर से यहाँ पर, देखे मोच आ रहा है लग रहा है। अरे मोच आ गया का? क्या हो गया भाभी? अरे गिर गए और का दिव्या, देखो कितना जोर से दर्द हो रहा है। अरे अरे हमें कमरा में छोड़ दो। हाँ हाँ दुलारिया दिव्या ले जाओ, आराम से उठना। और आप तो कहते हैं इतना जल्दबाजी करती हो। हाँ बेटी ले चलो आराम से। हैं तुम क्या है इतना हर बाड़ी में रहती हो बताओ? सब छे में नहीं आ कामे ना है, हो जाएगा आराम से। दर्द हो रहा है। हाँ माता रानी, अब पता नहीं इस घर में ना मुसीबत आना तो एक नियम ही हो गया है। हमको हर तकलीफ से दूर करो माता रानी, बचाओ हमको। ये यहाँ अकेले आ गए हैं, अब हम इन्हें घर कैसे पहुंचाएंगे? सृष्टि जी, हम घर अकेले नहीं जाएंगे, हम आपको लेने आए हैं, आपको हमारे साथ घर चलना होगा। अब तो रागिनी भाभी भी घर वापस आ गई हैं। जैसे अनुराग भैया भाभी को मनाने गए थे, वैसे हम भी आपको मनाने आए हैं। अब चलिए हमारे साथ। क्या क्या कहा आपने? हम कह रहे हैं कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, हम आपको लेने आए हैं, आपको लेकर घर जाएंगे। और अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे आपके साथ। और सृष्टि जी,
एक घर में नोकझोंक तो चलती रहती है ना, और पति पत्नी असली मायने में पति पत्नी तभी कहलाते हैं जब एक छत के नीचे रहते हैं। सृष्टि जी आप प्लीज चलिए ना, घर चलिए ना। विशु अनुराग भैया, तुम फिर घर पे किसी को बिना बताए यहाँ पे आ गए, तुम कब बड़े हो गए? हाँ तुम जानते हो तुम्हारी हरकतों की वजह से घर पे सब कितना डर जाते हैं। चलो यहाँ से। नहीं भैया हम अकेले घर नहीं जाएंगे, हम सृष्टि जी के साथ जाएंगे, अगर सृष्टि जी नहीं जाएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे।